मछली है वाली बाह में है वाली लंबी जड़ी है। मेरी बात सुने, मछली वाले मसाला लगा के देते हैं, आप मसाला क्यों नहीं लगवा कर लाए? ओ भाई वहाँ पे नहीं, कोई मसाले वाली जगह नहीं थी लगाने के लिए, इतना रास्ता वहाँ पे। देखो ये हाल होता है बंदों का, इतनी जलील करती है, काट के तोड़ लगा के है। या आपकी बहन का घर है ना, बहन के घर आके इनको ज्यादा भूख लगती है। मुझे घर भूख नहीं लगती, मसाला बना रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और खैरियत से रखे। मैं इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ चुका हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, ये कैमरा मेरे हाथ में है। रात में काफ़ी लेट आया था और अब चल के देखते हैं कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, बच्चे का कर रहे हैं, बेगम का कर रही है। आयजा मेरे ख्याल से सो रही है और ये माँ बेटियाँ यहाँ पे क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? हमारी ऐसी भी बात नहीं है, आपके बड़े अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहे, मैंने देखा मशीनें चलाई हैं, ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा बड़ा काम किया है। लेकिन सब लोग आपको देखना लोग में ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि लोग कहते हैं कि रौनक जो है ना ब्लॉग की खत्म हो गई है। अच्छा, मैं मरासी हूँ, रोना खाती रहती है मेरे आने से। अभी तक कपड़े तय नहीं किए थे, ये अभी कपड़े सारे अच्छी तरह से ड्राई होकर अब आए हैं, क्योंकि सर्दी है ना तो देर से ड्राई होते हैं। मेरे तो बाहर अभी भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। तो जी ना सिर्फ इनके मुताबिक बाहरें वापस आई हैं, मेरे हिसाब से तो लाहौर आके खाने मिलते हैं और मजे मिलते हैं। आज सबसे पहला खाना नाश्ता जो है ना मेरा स्टार्ट दिन का बड़ा जबरदस्त है। मेरी बहन ने, मेरी अपनी बहन ने बड़े प्यारे प्यारे हाथों से पाए बनाए हैं, तो आज मैं पायों का नाश्ता करने वाला हूँ। हाँ जी, का नाश्ता करने लगे हैं और मैं तो बड़ा खुश हूँ। इनके साथ चूंगा मैं भी मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप सबके लिए बनाए हैं, वो ऐसा नहीं करती। खैर जी, आप सबके लिए भी पाए बने, आपके लिए भी बने, आपके लिए बने। इस वक्त हम लोग नाश्ता करने लगे, ये रहे हमारे पाए और वो रहे नान पड़े हुए। नान देना यार मुझे, ये हैं जी पाए, माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। देखा कितनी खदमत की जाती है, मुझे बार बार की भूखे नहीं जाती है। मैं और अब जी बैठे यहाँ पे खाना नाश्ता करेंगे, अब उसके बाद आपसे बाकी क्या ब्लॉग शुरू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे पाए कैसे बने। वैसे तो पाए बहुत मजे के बने हुए, मैं खा रही हूँ, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, सब मिलकर बैठ कर एक साथ खाना खा रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है लाहौर में मछली मंडी, वो आज फरमाइश की थी घर वालों ने कि जाके मछली लेकर आनी है, तो मैं यहाँ पर मछली लेने के लिए आ गया। मछली जो है ना यहाँ पे मछली दिखाता हूँ मैं आपको, हालात तो बड़े बुरे हैं यहाँ पे लेने के, लेकिन मछली पूरे लाहौर में यहीं से मिलती है, मछली मंडी है सारी की सारी। इधर भी है, वो दूर तक ये मछली मंडी है, ये दुकानें हैं साथ में, यहाँ पर जो ना ताज़ा मछली मिलती है इनकी तरफ से। है तो वैसे सारी फ्रीज्ड ही है, लेकिन ये मछली सही है, ये वाली मछली है वाली बाह में है वाली लंबी जड़ी है। मछली तो मैं ले आया था माशाल्लाह, अब ये रही बेगम साहब अपनी मजीद मेहनत कर रही है इसके ऊपर। ये रही बेगम साहब, बंदा मसाला तो लगवा के लेकर आता है, मसाला लगवा के लाया था। वो जो है ना वो काम, मैंने कभी मछली को हाथ भी नहीं लगाया था, मुझे इसकी स्मेल भी बुरी लगती थी, लेकिन तो मतलब खानी कैसी होती है अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो कैसे खाती होगी? मछली में नहाना पड़ रहा है पूरा ना, ये मसाला थोड़ी सी, एक किलो मछली को मसाला लगाया और आप इतना नहाने ही वाली बात कर रही हो। अब मेरी बात सुने, मछली वाले मसाला लगा के देते हैं, आप मसाला क्यों नहीं लगवा कर लाए? ओ भाई वहाँ पे नहीं, कोई मसाले वाली जगह नहीं थी लगाने के लिए, इतना रास्ता वहाँ पे, मैं कैसे लगाता मसाला? ये ना होलसेल वाली किसी मार्केट में चले गए थे मछली मंडी के, अब यकीन करे मछली उन्होंने काट के भी ठीक नहीं दी। ओ भाई मछली मंडी वाले सुन रहे हो, काट के दिया करो यार, ये देखो ये हाल होता है बंदों का, इतनी जलील करती हैं, काट के दिया करो। अभी ये मसाला मैंने खुद बनाया है, ये सारा नमक वगैरह डाल के ना मैं खुद मसाला लगा, यही तो चीज चाहिए होती है। खेल कूद कर आ गई हो, और ये नीचे से ना दरवाजा भी हमारा टूट गया है, ये देखें ये दरवाजा भी टूट गया, बिल्ली भी अंदर आ जाती है, बड़ा मसला हुआ है। फिर ना मैं ये वाला दरवाजा बंद कर देती हूँ, और अभी ना आज हमारी दावत है,
अभी हरीम की बड़ी पुप्पो ने हमारी दावत की हुई और हरीम तैयार हो रही है। और बच्चे ना अभी वैसे एकेडमी जा रहे हैं, मैंने इनको कहा था छुट्टी नहीं करनी क्योंकि छुट्टी करके फिर टीचर्स बोलती हैं, डांटती हैं, तो मैं वैसे भी ना मेरी कोशिश होती है इनको छुट्टियां कम करवाऊं। अच्छा जी, अब बबीहा हरीम की एकेडमी जाने का टाइम हो गया और आयजा की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं बाबा के साथ हमेशा की तरह। क्या किया इसने अपने ना, ये देखे इसने ना अपने ट्राउजर के जो है ना डोरी के साथ अपना बैग बांध लिया ताकि ना ये गिर ना जाए। बच्चों के काम चेक करें क्या क्या काम करते हैं बच्चे। हाँ, मैंने बनने के लिए रख दिया चाय और साथ साथ जो है ना मैं फिश को देख रही हूँ। फिश को ना मैंने एक दफा तो वॉश करके अच्छे तरीके से रख दिया। सिरका और लहसुन डाल के ना इस पानी में मछली को ना एक दफा हमने ना डुबो देना है और आधे घंटे के लिए इसको डुबो के ही रखना है। इसका फायदा ये होगा कि मछली के ऊपर जितनी भी चीजें लगी होती है ना वो सारी उतर जाएगी, मछली से स्मेल नहीं आएगी और मछली बिल्कुल साफ शिफाफ साफ सुथरी हो जाएगी। आज मोहतरमा क्या फरमाइश फरमा रही है, आज मसाला मैरिनेट करना है तो मैंने भी मान ली, अच्छा बंदा हूँ मैं। ये इनको सजा के तौर पे इनको मैंने कहा, पता तो चले ना कि हम खवातीन कितनी मुश्किल का सामना करती हैं। एक तो मछली मंडी से मछली इतनी गंदी ले आया, ऊपर से नमक भी नहीं लगा हुआ, गंदी मछली को पकड़ना तो मैंने तो पहली दफा पकड़ा है, आपको इसलिए सजा। ये बकरी मुझे सजा देते, मैंने इनकी मोहब्बत में मैंने कहा चलो यार मैं लगा देता हूँ। आप मेरा दिल ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे कह रहा कि मैं क्यों लगाऊं यार। अब सबने नीचे कमेंट करने है बेचारे मंसूर भाई इतना डरते, डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं नहीं यार मैं लगा देता हूँ यार, मैं लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये ना पता है क्या, ये नेक्स्ट टाइम ना मंगवाऊंगी ना तो ये देहान करके अच्छी मछली लाएंगे। और ऊपर से ना कट भी उसने ठीक नहीं लगाए हुए, उसने पूरी मछली को ना आपको नहीं कुछ कहने लगी, उसने पूरी मछली में कट भी नहीं, मैंने उसको काटा दरमियान से ना, सारी मेहनत मुझे करनी पड़ी है। बाकी जो मेहनत है ना वो बाप से करवानी है। चलो जी, फिर भी मैं देखे आपको अदरक लहसुन छील के दे रही। हाँ ठीक है ना, ये बना के भी देना फिर मैं लगाऊंगा। हाँ अच्छा, ये कैमरा इधर दिखा दे, ये जो मैंने पानी में ना अदरक लहसुन और वो डाला था ना विनेगर, हाँ तो ये देखें कितनी व्हाइट व्हाइट सी मछली जो है ना निकल के सामने आ गई है। हाँ। सारी इसकी जो जितना भी गंद है ना वो सारा पानी में हो गया, तो ये देखें बाकी पीस भी आप देख लें, साफ सुथरी मछली हो गई है ये देखें। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है साफ करने का, मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ किया, अब इसको ना मैं सादे पानी से धो। अच्छा एक और अच्छा तरीका भी मैं बता दूं, एक और अच्छा तरीका भी है मछली साफ करने का, एक और अच्छा तरीका भी जो मैं बताऊंगा आपको। मछली साफ कर, जब खवातीन मछली साफ करती है ना अपने बंदों को साथ बुला ले के साफ कर बैठ के। हाँ तुम साफ कर बैठ के तो फिर बहुत अच्छी मछली साफ, बड़ी अच्छी मछली साफ होगी। ये हमारी वीडियो जितनी भी खवातीन देख रही है ना अपने अपने हस्बैंड के साथ देखे लाजमी। तो चलिए मुझे बदनाम करोगी, कुट पड़वानी मुझे तुम हस्बैंड कम्युनिटी से तुमने जी। तो बेगम साहब आप ये बनाएंगी और मसाला मैं सच में लगाऊंगा जी, बना के मुझे दे देंगी, मैं लगाऊंगा, मैं बड़ा अच्छा मसाला लगाता हूँ, बहुत ही मजेदार किस्म का मसाला लगाते हैं, मैं बताऊंगा आज आपको। ऐसा मसाला लगाते हैं ना कि लगो पता जाता है, मुझे टॉन्ट कर रही है। साबुन से हाथ धोए हैं ना आपने? हाँ। चलें जी, इनको ना मैंने ये देखें सारे मसाले वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं लाकर, तो मैं अब आपको बताती हूँ कितना कितना क्या क्या डालना है। तो 1 kg हमारी फिश है, 1 kg फिश में ना विनेगर सबसे पहले डालें, पहले आप ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें जो आ गया जी, अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसके अंदर ना आ जाएगा 1/2 cup सिरका, ये वाला वाइट सिरका होता है ना जो, ये वाला, ये जो सूप में भी डलता है, ये 1/2 cup जाएगा। इससे ये होगा कि ना मछली जो है ना वो अंदर तक गल जाती है और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस 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 बस, चले जी 1/2 cup से थोड़ा सा ज्यादा हो गया विनेगर, ये डाल दें इसके अंदर। और अब डालें वो दड़ा मिर्च होती है ना ये वाली, ये डालें आप, इसके डाल दें 3 चम्मच भर के, ये वाला 2 चम्मच भर के डाल दें, 1 चम्मच काली मिर्चों का डाल दें। ये देखें बता दो सारा कुछ मैं रही हूँ ना, मसाला तो फिर इसका मतलब मैंने बनाया तो मैं ना ही डाल रहा हूं। कितना मुश्किल है ये काम, हाय हाय नाक में चली गई है। 1.5 चम्मच बड़े वाला बना, इसको ऐसे हाथ से क्रश करके ना, और ये सूखा धनिया ना ये भी थोड़ा सा ऐड कर देना। तो जी ये मेरी बेटी आयजा प्यारी सी यहाँ पे तैयार होगी, कह रही है कि साथ में अपना कंबल लेके जाना क्योंकि इसने गाड़ी पे सोना होता है,
तो हम भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बेगम साहब भी ऑलमोस्ट तैयार है, मैं देखता हूँ है कहाँ पे। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार हो गई हैं, शुक्र है जी बड़े टाइम से आप तैयार हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है। और बस अब मैं जूता पहनने, वरना इनकी तैयारी के ऊपर हमारी थोड़ी सी चीना चपटी हो जाती होती है। अक्सर मुझे अब ना मैं शॉर्ट शॉर्ट तैयार होती हूँ, बच्चे हो गए ना जब से, अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। हाँ बड़ा प्रैक्टिस हो गई है ना, प्रैक्टिस हो गई है, बच्चों ने प्रैक्टिस करवा दी है। सही है, जूते पहनने और मैं हो गई हूँ रेडी। चलो जूते पहन लो, अब फिर अब निकलते हैं। तो बाकी का वहाँ जाके आपको बताते हैं हमने क्या खाया और क्या क्या किया, शुगर किया, क्या मेला किया वहाँ पे। अच्छा अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम निकलने लगे हैं। और चला आपको बेटा घर के बाहर लगाए रखे दोनों से, आमीन। और आपको मैं कोई घर का बारिश मिल जाए। और अब्बू जी की ना बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं होती हैं, और ये जब भी आते हैं ना हम लोग इन्हें सलाम करते हैं, कहीं आना जाना हो तो हर टाइम हमें दुआएं देते रहते हैं और हमें इनकी ही दुआएं लगती हैं। जब मेरी सास थी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो भी हमें ढेरों ढेर दुआएं दिया करती थी, बहुत ज्यादा दुआ देती थी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी जो है ना मेरे हाथ में ये जूस है और हमें जूस सर्व किया और शादी की मूवी लगी हुई है और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये देखें जी टेबल लगी हुई है खाने की, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त किस्म की डेकोरेशन हुई हुई है यहाँ पर हम लोगों के लिए। रबिया हरीम भी जो है ना वो बैठ कर देख रही है, मूवी देख रही है। अब्बू जी और ये लोग ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको शर्म आ रही है, जब ये अपनी बहनों के घर जाते हैं ना इनको शर्म आना शुरू हो जाती है, हर जगह पर शर्म आती है। क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है? आप अपनी बहनों को ये शो करवाना चाहते हैं, आप बहुत शर्मीले इंसान है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अरहम भी आज बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अरहम अपना ड्रेस सिखाओ, वाह आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो। आयजा खड़े होके अपना ड्रेस सिखाओ, वाओ आयजा भी बड़ी प्यारी लग रही है और आयजा जूस पी रही है। अभी हम लोग मूवी देख रहे हैं और इनको बहुत ज्यादा लग गई है भूख, और आपकी बहन का घर है ना, बहन के घर आके इनको ज्यादा भूख लगती। अच्छा जी अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में ना बड़ी मजे की शामियां फ्राई हो रही हैं और देख देख कर भूख लग रही है, मजे मजे की चीजें बन रही है, खुशबू बड़ी प्यारी प्यारी आ रही है। रोटी का शोर पैर चुका है, अब रोटी खुल चुकी है, वीडियो बनानी बंद कर दे, मैं रोटी खा ले बस। हां वीडियो के चक्कर में ऐसे ना रोटी ना, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी माशाल्लाह से खाना लग चुका है और मैं कहती हूँ कि बहुत ही मजे मजे की जो है ना डिशेस पड़ी हुई है, मुंह में देखकर पानी आ रहा है बस। अब इंतजार नहीं हो रहा, अब हम लोग ना खाना खा रहे तो जी घर वापस आ गए हम लोग अपने अल्हम्दुलिल्लाह, और वापस बेगम साहिबा बच्चों को दूध देने में लग गई हैं, जैसे कि इनका काम है। बहुत ही मजा, बहुत मजे खाना था, बहुत मजे का बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन थी, बड़े मजा आया। सिमी बाजी जाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मजेदार खाना हमारे लिए अरेंज किया। हम अपना आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज के ब्लॉग का इख्तिताम हम इधर ही करते हैं, यही से शुरू किया था, यही पे खत्म करते हैं। और वो आप जो आप कह दें आपका कहना सब मान लेते हैं। हाँ ये तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा अगर आप हमारे ब्लॉग के ऊपर न्यू और आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप हमारे साथ हमारे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत खुशामदीद। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसका आप लोगों ने वेट करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक चैलेंज करने वाले हैं। आपको याद होगा कल मैंने पोस्ट लगाई थी, आप लोगों से पूछा था कौन सा चैलेंज करें, तो आप लोगों ने मशवरे भी दिए थे, तो हम लोगों ने जिसमें आप लोगों ने ज्यादा जिनके कमेंट आए हैं हमने वो वाला चैलेंज इंशाल्लाह सिलेक्ट किया और वो करेंगे, और कल वो वीडियो आएगी, आपने जरूर देखनी है वो वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।